नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस, यानी वो प्रोसेसेस जिनके बिना लाइफ चल नहीं सकती, जिनके बिना लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। तो ऐसे प्रोसेसेस लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन और रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन होता है ऑब्टेनिंग ऑफ फूड को बोलते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड ऑब्टेन करता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने को रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसमें ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व होती है। डाइजेशन, उस खाने को हजम करने में प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन, वो जो खाना बॉडी ने लिया है उसको पूरी हर एक बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने को सर्कुलेशन बोलते हैं, जो कि ब्लड के थ्रू होती है। रिप्रोडक्शन, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ट्रेड होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, अपने लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, रेस्पायर करता है, डाइजेशन करता है, सर्कुलेशन होती है उसमें और रिप्रोडक्शन भी होती है। तो इनमें से कोई भी प्रोसेस अगर मिस हो जाए तो लाइफ चल नहीं सकती, इसलिए इन प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। अपने लिए फूड ऑब्टेन करने को न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं अपनी बॉडी को, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, और इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ओके, और न्यूट्रिशन की होती है दो टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, और जो एटमॉस्फेयर से कुछ कंपोनेंट्स लेके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को जिससे ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स में एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जो इनको हेल्प करती है ये फूड प्रिपेयर करने में, जिसका नाम है क्लोरोफिल। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट को यूज करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में स्टोर कर देते हैं, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको, और इस फूड को वो स्टोर करके रखते हैं अपने आप में, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल ले, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो और ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है और अल्गे। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड की बात करते हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, इसलिए ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इनको कंज्यूमर भी कहा जाता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड को चार टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। होलोजोइक, पहली लाइफ है इसकी, दूसरी है सेप्रोफिटिक, तीसरी है पैरासिटिक और चौथी टाइप है इसकी सिम्बियोटिक। सबसे पहले हम होलोजोइक की बात करते हैं। होलोजोइक में क्या होता है कि निगल जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट, प्लांट का पार्ट या फूड का थोड़ा सा पार्ट या पूरी ही फूड को अंदर निगल जाते हैं। जैसे हम इंसान कोई चीज खाते हैं तो हम उसको अंदर निगल जाते हैं अपने गले से, और ठीक है और भी एग्जाम्पल है इसकी, अमीबा, फ्रॉग, ह्यूमन और बाकी और भी काफी सारे एनिमल्स। और इसके टाइप, इसकी एग्जाम्पल्स हैं, हर्बीवोर वो हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, कार्निवोर जो कि दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोर वो हैं जो प्लांट मटेरियल के साथ साथ एनिमल मटेरियल को भी कंज्यूम कर सकते हैं। टिपिकल होलोजोइक एनिमल्स इंसेक्टिवोर, उनको बोलते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट ईटर्स को इंसेक्टिवोर कहा जाता है। फ्रुगिवोर वो जो फ्रूट्स को खाते हैं, सैंग्विनिवोर वो जो ब्लड पे फीड करते हैं यानी दूसरे के खून को ही सक करते हैं, डेंड्राइटिवोर वो जो सड़े गले हुए जो मटेरियल है उन पे खुद को फीड करते हैं यानी उसको खाते हैं सड़े गले हुए मटेरियल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने शरीर से डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं जो फूड मटेरियल पे रख देते हैं और कुछ समय तक उसको रहने देते हैं, उसके बाद वहां से डाइजेस्टेड फूड को सक करते हैं यानी जो फूड मटेरियल उनकी बॉडी के आउटसाइड है उन्होंने खाया नहीं उसको,
के ऊपर उन्होंने अपने शरीर से कुछ सक्रीशन डाल दी, कुछ समय तक रहने दिया, उसके बाद वहां से उन्होंने डाइजेस्टेड जो फूड है उसको सीधे सीधे सक किया। तो ऐसे मोड को बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इनकी डाइजेशन जो है शरीर के बाहर ही हो जाती है, शरीर के अंदर वो सिर्फ डाइजेस्टेड फूड को लेते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसके शरीर पे रहता हो या उसके शरीर के अंदर रहता हो और वहीं से अपना फूड भी ऑब्टेन करता हो, उसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और जिस ऑर्गेनिज्म से ये अपना फूड ले रहा है ना, जिसके शरीर पे ये रहता है, उसको होस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है मॉस्किटो, टेपवॉर्म, टिक्स, फ्लाइज, बेडबग्स और भी बहुत सारे। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की फूड एक दूसरे से ऑब्टेन करते हैं। होस्ट पैरासाइट में क्या होता है, होस्ट को नुकसान होता है, पैरासाइट को फायदा है, लेकिन सिम्बायोटिक में दोनों का फायदा है, दोनों एक साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरे से फूड को ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल है फंगस और एल्गी, जब एक साथ रहते हैं लाइकन्स में, तो फंगस जो होता है वो वाटर और मिनरल को इकट्ठे करता है जो कि अल्गे को चाहिए होते हैं, और अल्गे उनको इकट्ठे करके फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, और ये फूड फंगस भी खाता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे से हेल्प ले रहे हैं। इस न्यूट्रिशन की पैटर्न को बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इम्पोर्टेंस कुछ न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर में, प्रोटीन्स काम करते हैं बॉडी बिल्डिंग का, मसल्स बनाते हैं ये हमारे शरीर में, जो भी मास है ना हड्डियों के अलावा जो भी आपको शरीर में मास दिख रहा है ये सब प्रोटीन बनाती है। जो फैट्स हैं ये हमें एनर्जी देते हैं, पावर या जो हीट एनर्जी है ना ये हमें फैट्स से मिलती है। आप देखते होंगे आपका शरीर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, कम नहीं होता, तो ये जो हीट एनर्जी है ये भी फैट से मिलती है, जो काम करने की एनर्जी ये भी फैट से मिलती है, जो पावर है आपके पास वो सारी फैट से आई है। विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, बॉडी को गुड ऑर्डर में रखते हैं, जो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, दूसरा वो सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस से बचाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। डाइट्री फाइबर का डाइजेस्टिव हेल्थ में काफी रोल होता है और रेगुलर बाउल मूवमेंट में। अगर डाइट्री फाइबर कम हो जाए बॉडी में तो कॉन्स्टिपेशन तक हो सकती है। एमसीक्यूज कुछ, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन कौन सा है, लाइट चाहिए क्या फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए क्या फोटोसिंथेसिस के लिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्या, या ऑल ऑफ दी अबव, क्या ये सारे चाहिए, हाँ ये सारे ही चाहिए। एक्सेस इन द ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन द एडिपोस फैट, ऐसा इसमें से कौन सा जो ज्यादा हो जाए तो वो एडिपोस टिश्यू में स्टोर हो जाता है। ह्यूमन बॉडी में कौन सा न्यूट्रिएंट जिससे ज्यादा हो जाए तो एडिपोस टिश्यू में स्टोर हो जाता है। ऑप्शन है मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और फैट्स। इसका आंसर है फैट्स। जो फैट है ये स्किन के नीचे जो एडिपोस टिश्यू होता है उसमें स्टोर हो जाता है। लड़कियों में ये ज्यादा स्टोर होता है स्किन के नीचे एडिपोस टिश्यू, तभी जो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है स्किन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कौन सा प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में लेता है टू मेक एन इंटरमीडिएट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट बनाने के लिए। कैक्टस, मैंगो, ग्रास, क्रोटन, आंसर है कैक्टस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ, इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉफ की एग्जाम्पल है, ग्रास, मशरूम, एमीबा, पैरामीशिया। ऑटोट्रॉफ वो होता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो सारे ग्रीन प्लांट जो है वो उसी में आते हैं, इसी कैटेगरी में। जो ग्रास है वो भी ग्रीन प्लांट है, दैट्स व्हाई इट्स एन ऑटोट्रॉफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो अपने शरीर के बाहर ही खाने को हजम कर लेते हैं और वहां से उसको फिर बाद में सक करते हैं, ग्रास, मशरूम, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम तो फोलोजोइक मोड को फॉलो करते हैं, that means mushroom। Which of the following is a parasite? Parasite कौन सा है इनमें से, yeast, amoeba, leech, earthworm। Earthworm तो मिट्टी में रहता है, कहां से parasite हुआ, yeast, leech और amoeba में सोचे, ये सारे independently रह सकते हैं yeast और amoeba, that means जो leech है
ये जो लीच होती है ये ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है, अपने बोथ साइड से ये ब्लड को सक करती है, ज्यादातर स्पीशीज की ब्लड सक करे और जो बाकी है वो प्रीडेटर है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कोई कमेंट अगर हो कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।